एक पंकज भजन में भजन की पंक्ति में कहा है, सतगुरु जीव के बंधन तोड़े, जीव न पल्ला छोड़े, सतगुरु दे बंधन जीव दे बंधन, गुरखो गुरमुखो वक्त के महापुरुष जीव को इन बंधनों से, माया और काल के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, आजाद करते हैं। जीव हमेशा आम दुनिया उसके फिर पीछे पीछे जाते, जीव ने पल्ला छोड़, वो जीव जो है पलड़ा उसका नहीं छोड़ता, लेकिन सतगुरु महापुरुष जो है उस जीव को इन बंधनों से, माया और काल के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं। आप गुरुमुख संत जितने भी हैं, जितने बैठे हैं, सब हमारे श्री परम दयाल महाराज जी की मुबारक मौज से आप गुरुमुखों को श्री अनंतपुर दरबार का सेवक कहलाने का हकदार मिला है, हक मिला है। तो आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। सेवक को यही चाहे कि गुरु की आज्ञा में रहे, अगर वो माया ख्याल के चक्कर में फंसने की कोशिश न करे, उसकी यही कोशिश हो कि हमारे श्री और भी जितनी दुनिया की बातें हैं, वजारत है, सब काल और माला के चक्कर में फंसाने वाली है। महापुरुष चाहते हैं हमारे प्रेमी गुरु जो हैं इस झंझट से आजाद रहे, माया और काल चक्कर में न फंसे, और वक्त के महापुरुषों जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे तृतीय पाशा जो पाला से ने ये पांच नियम निर्धारित किए हैं, तो किस लिए किए हैं? इसलिए किए हैं कि हमारे गुरुमुख जो है, प्रेमी जो है, इन पांच नियम को अदा करके अपना जीवन सफल करें और सच्ची चीज की ढूंढे कि सच्ची चीज कौन सी है। कहते नाम सत जग झूठ है, नाम ही जग में सच्चा है, बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वो झूठ है। कोई झूठी चीज, झूठे पदार्थों को कुछ चाहेगा मुझे मिले, हाथ जाएगा मुझे सस्ता सौदा मिले और सच्ची चीज मिले। तो आप वहां पर संसार में जीव को सच्ची चीज और अच्छी चीज कृपा करते हैं, जीवों पर कृपा करते हैं। सहयोग क्यों क्या है वक्त हमारे जैसे, जैसे कि पहले कहा श्री अनंतपुर दरबार की रचना हमारे महापुरुषों श्री परम दयाल महाराज की कृपा से हो रही है, और जो कोई ये रचना बदले गुरु को, ये नाम सत जग झूठ है, नाम ही सच्ची चीज है, अच्छी चीज है, स्वस्थ चीज है। इसलिए आप सब गुरुमुख है, इसी कार्य में लगे हुए, इसी कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करें। हम इसलिए गुरुओं को कहते हैं हम आप लोगों का, आप हमारे गुरु दरबार के सेवक हैं। अपने सेवक को कोई नहीं कहता कि अच्छी चीज करो, अच्छा काम करो, अच्छी चीज खाओ। हर वक्त हमको ये बोला हमारे जितने भी सेवक है, अच्छी सेवा कर रहे हैं तो अच्छे काम भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी ही हो तो अच्छी चीज की ग्रहण। सेवक गुरुमुख ही होते हैं, आम दुनिया को इस चीज की कदर नहीं है, ना पता उसको कि अच्छी चीज कौन सी है। तो आप सब गुरुमुख है, अच्छी चीज की ग्राहक है, अच्छे काम पे लगे हैं, अच्छे महापुरुषों की संगत आपको मिली हुई है, तो इसलिए आप सब गुरुमुख महापुरुषों की संगत में रहकर अच्छे काम करो, अच्छे ख्याल रखो, अच्छे विचार रखो, जिससे कि आपको अच्छी चीज मिले। अच्छे ख्यालों से, अच्छे विचारों से ही अच्छी चीज मिलेगी ना। तो आप सब गुरुमुख है, आप इस अच्छी
अच्छी चीज के ग्राहक बनो, अच्छे काम करते हुए जन्म सफल करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। बोलो जयकार। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छटा अनुपम छाई है सतगुरु जी के पावन दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई। आज श्री प्रयाग धाम निवासी गुरुमुखों पर जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की विशेष कृपा हुई है अपने पावन दर्शन से सबको निहाल किया है और अपने अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया है, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। सतगुरु शिष्य के बंधन तोड़े, जीव ना माया का पल्ला छोड़े। सतगुरु जो है, जो भी जीव सतगुरु की शरण में सौभाग्य से आ जाते हैं तो सतगुरु उसका माया के बंधन से उसे मुक्त कराते हैं। इस हेतु ही उनका संसार में अवतरण होता है, संसार में आगमन होता है। ये जीव जन्म जन्मांतरों से माया के बंधन में बंधा हुआ, जन्म और मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। इस जीव की ऐसी दशा देखकर महापुरुषों का जो हृदय है वो द्रवित हो उठता है। श्री रामायण के अंदर वर्णन आया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहा ही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुखनीता। कि संतों का जो हृदय है वो इतना कोमल है कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि मक्खन की तरह कोमल है, क्योंकि संसार के अंदर मक्खन ही सबसे कोमल है जो जरा सी आंच पर पिघल जाता है, तो इसलिए उसका उदाहरण दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा उदाहरण कवियों ने दे तो दिया है, लेकिन महापुरुषों का जो हृदय है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, क्योंकि मक्खन तब पिघलता है जब उस पर आंच पड़ती है, लेकिन महापुरुष दूसरों के जीवों पर आंच पड़ती है तो पिघल उठते हैं। जैसे आज हम सबको अपने अंतर हृदय की दयालुता का मेह बरसाते हुए पावन दर्शन और अमृतमय वचनों से निहाल कर रहे हैं। तो उनके हृदय में यही अभिलाषा होती है कि जो भी जीव उनकी शरण में आ जाए, क्योंकि महापुरुषों की चरण शरण उनकी पावन संगत ये भी बड़ी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कोटि जन्म भ्रम 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 आयु, बड़े भाग साथ संग पायो। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है तब जीव को सतपुरुषों की चरण शरण उनके पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने भी अपने वचनों में फरमाया कि ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है जो गुरुमुखों को
श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। तो जिसे श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य मिल गया है, जिसे वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, जिसे उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, तो उसका क्या धर्म है कि हर वक्त सत वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। सच क्या है संसार के अंदर? एक सतगुरु की जात सत्य है, सतगुरु का वचन सत्य है, और सतगुरु का नाम सत्य है, सतगुरु का ध्यान सत्य है। तो जो सौभाग्यशाली जीव सतपुरुषों की शरण में आ जाते हैं, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उनके हृदय के अंदर हर वक्त ऐसी ही लगन होनी चाहिए कि मुझे सत वस्तु की प्राप्ति हो। जब हमें इतनी कठिनताई से जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फलीभूत और परमात्मा की कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो मन में दूसरा विचार आना ही नहीं चाहिए, माया के विचार आने ही नहीं चाहिए। जहां पर इंसान को सत वस्तु मिलती हो, तो वहां पर आकर के झूठी चीजों की इच्छा रखना, कहते हैं कि नादानी है, अज्ञानता है। इसलिए जब जीव पर जो है महापुरुषों ने सत का भंडार, सत वस्तु का भंडार खोला हुआ है, कहते हैं सत नाम की मुझ पे खान खुली घट माए, ये महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, परम संत कबीर साहब जी का वर्णन है कि सत नाम की संत पे खान खुली घट माए, सैत मैं दे ही देता हूं, गाहक कोई नहीं। वो बख्शिश कर रहे हैं, कुछ लेने किसी चीज के बदले नहीं, दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। लेकिन हमें पात्र बनना है, कम से कम हमारे हृदय के अंदर लगन तो हो कि हमें वो वस्तु मिले जो इस संसार के अंदर त्रिलोकी में सबसे ऊंची है, सबसे निराली है, सबसे अनुभव है। तो वो क्या है? वो है मालिक की भक्ति, मालिक का सच्चा नाम, गुरु दरबार की सेवा, जिसके महापुरुषों ने भंडार खोल रखे। ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है जो उन्होंने इस घोर कली काल के अंदर श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई और स्वयं विराजमान होकर के गुरुमुखों को मुक्त करो से भक्ति और सच्चे नाम की दात बख्शिश कर रहे हैं। ऐसे सरल नियम बना दिए हैं कि जो दरबार में रह रहे हैं उनका तो 2400 घंटे यही काम है कि वो अपने ध्यान को, अपनी सुरत को सद्गुरु के चरणों से जोड़ करके रखें। लेकिन जो संसार में रह रहे हैं उनके लिए भी भक्ति के ऐसे नियम बना दिए हैं कि वो संसार में रहते हुए भी अपनी सुरत को सद्गुरु के चरणों से जोड़ सकते हैं, वो संसार में रहते हुए भी नाम और भक्ति की सच्ची कमाई कर सकते हैं, सत वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी कृपा, दयालता, रहमत जो महापुरुष हम पर बरसा रहे हैं और अपने अमृतमय वचन वर्ष से जो है हमें निरंतर भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखला रहे हैं, स्वयं उंगली पकड़ करके चला रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार 2400 घंटे अपने मन के अंदर भक्ति से भरे हुए विचार भरे, हर वक्त हमारे हृदय के अंदर सच्चे नाम की लगन हो, सद्गुरु के ध्यान की लगन हो, सद्गुरु के प्रेम की लगन हो, हर वक्त सद्गुरु के दर्शन की लगन हो, सद्गुरु की सेवा की लगन हो। तो ये जब लगन हमारे हृदय के अंदर बनी होगी तो हमारा जो हृदय सदैव आनंद से भरपूर रहेगा। ये तो कुदरत का नियम है कि मन का संबंध जहां भी जुड़ेगा वहां का प्रभाव मिलेगा।
श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचनों में वर्णन आता है कि इंसान की जो सूरत है निरंतर बाहर की ओर निकल रही है और जहां पर जाती है वहां का प्रभाव लेकर के अंदर आती है। तो अगर हमारा जो है हमारी सूरत हमारा मन दुनिया की तरफ जाएगा तो मन के अंदर व्याकुलता पैदा होगी, अशांति पैदा होगी, क्योंकि उसका असर ही हुआ है। गीता में भी भगवान ने कहा है माशियत की तरफ जब जाता है दिल इंसान का किश्ती ये दानिश पे होता है समातु। जब भी इंसान का मन संसार की ओर जाएगा, संसार की किसी भी वस्तु को पाने की प्राप्ति का इच्छा करेगा तो हृदय के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी। और वही मन जब सतगुरु के चरणों से जुड़ेगा, सतगुरु के ध्यान से जुड़ेगा, सतगुरु के सिमरन से जुड़ेगा, सतगुरु के वचनों से जुड़ेगा तो आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो महापुरुष चाहते हैं कि आपका जो मन है आपकी जो शरद है 2400 घंटे ही सदगुरु के चरणों से जुड़े रहे ताकि परम आनंद से भरपूर गुरुमुखों का जीवन बना रहे। तो हम सबका कर्तव्य है जैसी कृपा श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी हम सब प्रेमियों पर कर रहे हैं हम भी उनके पावन वचनों के अनुसार चलते हुए भक्ति के पांचों नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास। वैसे तो एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में यहाँ श्री प्रयाग धाम की बात है ये छोटे कमरे में समय मिल रहा था एक प्रेमी आया और अपनी परेशानियों का वर्णन करने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि 2 घंटे भजन कर अगर 2 घंटे भजन करेगा तो तेरी समस्त परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और जीवन तेरा आनंद से भर उठेगा। तो कहने लगा श्री गुरु महाराज जी आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी कंसेशन करती हैं तो मुझे कुछ कंसेशन दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया ये जीवन मिला है ये पूरा का पूरा जीवन भजन के लिए मिला है 2400 घंटे भजन करने के लिए जो है ये जन्म मिला है। अगर 2400 घंटे भी भजन करो तो भी कम है तो हमने तो तुम्हें 22 घंटे ही कंसेशन दिया 2 घंटे भजन के लिए बोल रहे। तो अगर 2 घंटे भजन करने से हमारा अगर जो है जीवन आनंद से परिपूर्ण होता है लोक भी समझता है परलोक भी समझता है ये महापुरुषों की कृपा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जितना 2 घंटे तो करना ही है उससे भी अधिक जितना भी समय हो अपने मन को सदगुरु के चरणों से जोड़ करके रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं आनंद से परिपूर्ण करें श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के शुभ समागम की शुभ आगमन की पावन दर्शन की अमृत में वचनों की और जो शुभ आशीर्वाद बख्शा है उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।